अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने विंडोज पीसी पे गूगल क्रोम को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो विंडोज में गूगल क्रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपको इसका इंस्टॉलर इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। बेसिकली इसके लिए आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। आपकी अगर फ्रेश विंडोज इंस्टॉलेशन भी है तो उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट एज, जो विंडोज का अपना ब्राउजर है, वो बाय डिफॉल्ट आता है। तो आप विंडोज का बटन दबाएं और एज लिख के सर्च करें। माइक्रोसॉफ्ट एज ये विंडोज का डिफॉल्ट ब्राउजर है जो फ्रेश विंडोज इंस्टॉलेशन में अवेलेबल होते हैं। आप इस पे क्लिक करें, इसको ओपन कर लें। जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी ब्राउजर को जब ओपन करेंगे तो ये आपसे मीन के कुछ अपनी जो पॉलिसीज है उनको एक्सेप्ट करने का कहेगा, और कुछ ब्राउजर जैसे ब्रेव, दूसरे जो ब्राउजर होंगे वो आपको कहेंगे कि डिफॉल्ट सेट कर दिया जाए उस ब्राउजर को। इस तरह क्वेश्चंस होंगे वो आस्क किए जाएंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसको बस एक दफा रीड करें और उसका क्लियर उर्दू में मतलब बन रहा होगा, और जो इस तरह के न्यूज़लेटर वाले चेक बॉक्सेस हो उनको अनचेक कर दें। जो डिफॉल्ट अगर आप सेट नहीं करना चाहते, डिफॉल्ट ब्राउजर क्या होता है ये मैं वीडियो के एंड तक आपको समझा दूंगा कि डिफॉल्ट ब्राउजर सेट करने का मतलब क्या होता है। अभी के लिए आप इसको अनचेक कर दें। अगर आपके पास भी ये स्क्रीन है, स्टार्ट विदाउट योर डाटा, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा ऑलवेज हैव एक्सेस टू योर रिसेंट ब्राउजिंग डाटा। यहाँ पे डोंट अलाउ, कंटिन्यू, कंफर्म है कंटिन्यू, और इसको भी अनचेक करके कंफर्म एंड स्टार्ट ब्राउजिंग। विंडोज का मैंने ये एक सेपरेट नया अकाउंट लाया था, इसलिए इसमें मैंने फर्स्ट टाइम ये ब्राउजर ओपन किया है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि विंडोज में एक न्यू यूजर अकाउंट कैसे बनाते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के उसका तरीकाकार सीख सकते हैं। एक नया टैब ओपन कर लूंगा, इन दो टैब्स को बंद कर दूंगा। यहाँ पे अब मैं गूगल क्रोम लिख के सर्च करूंगा और एंड पे डाउनलोड भी ऐड करूंगा। यहां से फर्स्ट लिंक की जो आप देख सकते हैं कि जो www.google.com पे जा रहा है उस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप इस पेज पे लैंड करेंगे इस बॉक्स को अनचेक कर दें और यहां पे डाउनलोड क्रोम। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्रोम की जो इंस्टॉलर फाइल है उसकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी वजह से डाउनलोड स्टार्ट नहीं होती राइट अवे तो आप यहां पे क्लिक कर लें डाउनलोड क्रोम मैनुअली। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देख आप सकते हैं कि जो इंस्टॉलर क्रोम सेटअप, ये इसका क्रोम का इंस्टॉलर है, वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और ऑलमोस्ट डाउनलोड भी हो गया। मैं इस टैब को भी क्लोज कर दूंगा और इस टैब को भी क्लोज करके एक नया टैब ओपन करके उसको क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे ये डाउनलोड्स का आइकॉन है, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इस फाइल को डायरेक्टली यहां से भी इस पे क्लिक करूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगी, रन हो जाएगी। मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ ओपन फाइल। एक फ्रेश विंडोज इंस्टॉलेशन में जब आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो आपके पास डाउनलोड्स के फोल्डर में अवेलेबल होती है। मैंने अभी एक शॉर्टकट की यूज की इस विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए, ये इस विंडो को ओपन करने के लिए, जो शॉर्टकट की है विंडो प्लस ई, विंडो का बटन उसको दबा के रखना है, प्लस ई दबाएंगे तो ये एक जो फाइल एक्सप्लोरर है उसकी विंडो ओपन कर देता है। इसको अगर आप, मैं मैक्सिमाइज करके क्लोज करता हूं और फिर विंडो ई दबाता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये एक विंडोज एक्सप्लोरर की नई जो विंडो है उसको ओपन कर देता है। अब मैं डाउनलोड्स पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसका इंस्टॉलर यहाँ पे डाउनलोड है। इस पे डबल क्लिक करें। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगे तो आपसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव अलर्ट आता है आपके सामने, जो कि रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड नहीं करती है। तो मैं इसको अपने फोन के साथ इसकी पिक्चर लेके यहाँ पे लगा दूंगा। आप होपफुली इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकेंगे कि जो अलर्ट है वो शो होता है। तो ये अलर्ट आपको भी शो होगा। अगर आप यस करेंगे तो ये एक्शन कंटिन्यू होगा, जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो जाएगा। नो करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मॉडल है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अलर्ट है ये शो ना हो, और अगर नेक्स्ट टाइम जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने लगे तो इसके बिना ही कंटिन्यू कर सकें, तो आप यहाँ पे क्लिक करें शो मोर डिटेल्स, इस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट आपने क्लिक करना है चेंज व्हेन दिस नोटिफिकेशंस अपीयर। आपके पास ये विंडो एक ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नोटिफाई मी ओनली व्हेन एप्स ट्राई
टू मेक चेंजेस टू माई कंप्यूटर, ये डिफॉल्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन ना आए तो आप इसको डाउन कर दें, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी आपको एंड पे आप कर देंगे नेवर नोटिफाई मी व्हेन, मीन कि आप सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करें या अनइंस्टॉल करें, ये आपसे ये जो अलर्ट आपने प्रीवियसली अभी कुछ देर पहले देखा वो अलर्ट आपको नहीं आएगा। मैं इसको कैंसिल ही रहने दूंगा क्योंकि ये अलर्ट कहने की एक किस्म की सिक्योरिटी होती है ताकि कोई भी रैंडम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल ना हो सके। तो मैं फिर से इस पे डबल क्लिक करूंगा और इस दफा मैं यस करके कंटिन्यू करूंगा। जैसे ही आप यस करेंगे तो ये जो इंस्टॉलर का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा। ये इंस्टॉलर का प्रोसेस करंटली, जैसे कि मैंने कहा, आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। गूगल क्रोम इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है गूगल क्रोम ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। ये बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा है कि गूगल क्रोम को डिफॉल्ट ब्राउजर डिफॉल्ट ऐप सेट कर दिया जाए। अगर आपको नहीं पता कि विंडोज में डिफॉल्ट एप्स का मतलब क्या है और आप स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को एज अ डिफॉल्ट ऐप कैसे सेट कर सकते हैं, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको देख के उसके मुताबिक सीख सकते हैं कि डिफॉल्ट एप्स क्या होती हैं और उनको किस तरह सेट किया जाता है। अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर दूंगा, यहां से अब आप जिस तरह चाहें गूगल क्रोम को यूज कर सकते हैं। तो ये थी एक क्विक सी वीडियो जिसमें आपने सीखा कि आप गूगल क्रोम को विंडोज सिस्टम पे किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.